हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज हम बात करने वाले हैं मेरे 2024 के गोल्स के बारे में। आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ चार चीज़ों के बारे में। पहला है कि मेरा वर्ड ऑफ द ईयर क्या है 2024 के लिए, मेरे 2023 के गोल्स क्या थे और उन पे मैंने क्या किया, उनके रिफ्लेक्शंस, और 2024 के मेरे गोल्स क्या हैं और मैं उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ ये गोल्स अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा वर्ड ऑफ द ईयर। तो इस साल का मेरा वर्ड है प्रोसेस या फिर रूटीन्स। मैं उन लोगों में से थी जो कभी भी रूटीन्स फॉलो नहीं करते थे, जिनको बहुत बोर होता था रूटीन्स के लिए। मुझे लगता था कि जो लोग रूटीन फॉलो करते हैं वो बहुत ही बोरिंग लोग हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ रोज़ रोज़ करते हैं। पर अब मैं शायद थोड़ी बड़ी हो गई हूँ या बुढ़ी हो गई हूँ बोल सकते हैं, तो अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि अगर मुझे खुद के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी चीज़ें रोज़ करनी है, उनमें से अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे रूटीन्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस साल का मेरा गोल है कि मैं सारी चीज़ों में, जो भी मैं वापस मुझे रोज़ रोज़ करनी होंगी, उनमें मैं कोई रूटीन बनाऊंगी और उन्हीं से मैं टाइम निकालूंगी मेरे गोल्स अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं मेरे 2023 के रिफ्लेक्शंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या गोल्स बनाए थे। काफ़ी सारे गोल्स थे मेरे 2023 के और इनमें से मैं कुछ अचीव कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। जैसे लर्न कन्नड़ा एक गोल था, उसमें से मैं कन्नड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम एक्सीडेंट और सर्जरी की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकली, तो मैं कन्नड़ा बात नहीं कर पाई, तो वो नहीं सीख पाई। पर मैं अक्षर या फिर वर्णमाले जो बोलते हैं कन्नड़ा वर्णमाले, वो सीख गई, ताकि मैं अभी थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। ड्राइविंग, सितार, बिजनेस, ये सारे गोल्स मैं 2023 में अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो मैंने स्टार्ट किया था, काफ़ी प्रैक्टिस भी की, बट बाद में एक्सीडेंट के बाद मैं इनमें से कुछ भी मेरे लिए अलाउड नहीं था। वेट रिड्यूस करने का गोल मैंने अचीव तो किया, मैं 24.8 ऐसे कुछ हो गई थी जून एंड में, तो मेरा आइडियल वेट जो मुझे अचीव करना था वो मैंने कर लिया, पर मैं मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हो गए और एक्सरसाइज मेरा लास्ट प्रायोरिटी था। तो कुछ चीज़ें अचीव की, कुछ चीज़ें नहीं की। यही समझ के मैं इस बार अपने गोल्स में कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। जैसे एक है कि मैं बहुत सारे गोल्स, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे गोल्स थे 2023 के, मैं इतने सारे गोल्स नहीं रखूँगी। मैं बहुत ही कम, एज अ मिनिमलिस्ट, जैसे दो या तीन गोल रहेंगे ऐसे गोल रखूँगी। एक मेरा पर्सनल गोल रहेगा, एक मेरा वर्क रिलेटेड गोल रहेगा, प्रोफेशनल गोल, और एक मेरा गोल रहेगा यूट्यूब से रिलेटेड। इतना ही मैं एक साल में लेने वाली हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपने 2024 के गोल्स के बारे में। तो मेरे इन ऑल दो ही गोल्स हैं जो YouTube से रिलेटेड हैं या फिर मेरा मिनिमलिज्म और इन सब से रिलेटेड है, बट काफ़ी बड़े गोल्स हैं। तो उनमें से पहला गोल है YouTube को मोनेटाइज करना। ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट इतना सिंपल नहीं है। जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँगी तब मैं आपसे इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी। दूसरा गोल है कम्युनिटी बनाना जो सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट हो। जैसे अभी मेरे जो भी फॉलोअर्स है वो या तो यूट्यूब से रिलेटेड है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, या किसी और सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उनसे मैं इतना कनेक्ट उस मीडिया के बाहर नहीं कर पाती। मैं चाह रही हूँ कि मैं मेरा जो भी ग्रोथ है या जो मैं बताना चाह रही हूँ वो सिर्फ एक मीडिया से कनेक्टेड नहीं हो, मैं उसको ओपनली बता सकूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये दो गोल्स अचीव करने के लिए मैं इस बार एक स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ, वो है 12-week-year स्ट्रैटेजी। मैंने हाल ही में बुक पढ़ी थी ब्रायन मुरे की, 12-week-year नाम की बुक थी, जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हो गई कि इंस्टेड ऑफ प्लानिंग फॉर होल ईयर कि मुझे पता नहीं है जनवरी से दिसंबर तक मैं कितना प्लान कर पाऊँगी और कितना उसको अचीव कर पाऊँगी, क्यों ना मैं 3 महीने पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँ, 12 weeks पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँ और डिसाइड करूँ कि ये मैं अचीव करूँगी और उसके लिए उतना प्लान बनाऊँगी। जैसे लास्ट ईयर में मैंने काफ़ी सारे गोल्स बनाए थे, बट साल के एंड में हमारी कंडीशन क्या रहेगी और कितनी चीज़ें बदलेंगी वो हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो इस बार मैं एक क्वार्टर या फिर एक 3 महीने का पीरियड लेके उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ। तो बात करते हैं मेरे पहले गोल के बारे में, जो है YouTube मोनेटाइजेशन, जो मैं फर्स्ट, मेरा जो 12-week-year है उसमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ। तो मेरा गोल है YouTube मोनेटाइज करना, ये एक आउटकम है। तो आउटकम मेरा होना चाहिए कि YouTube मोनेटाइज हो जाए। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि
YouTube मोनेटाइज करने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। अभी मैं अभी का अगर देखूंगी तो मेरे करीबन 592 सब्सक्राइबर्स हैं और अराउंड 500 वॉच आवर्स हैं। तो यहाँ से लेके 4000 तक जाना ईयर एंड तक काफ़ी मुश्किल काम है। और इसका एक डिटेल कैलकुलेशन भी आपको दिखा सकती हूँ, जस्ट 2 मिनट के लिए आपके सामने रखती हूँ, जो दिखा रहा है कि मुझे कितने वीडियोस बनाने पड़ेंगे अगर मुझे ये अचीव करना है सिंपली। तो मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैं क्या करने वाली हूँ, ये गोल अपने 12 वीक ईयर में लेके मैं 12 वीक्स में इसमें कितना प्रोग्रेस कर पाती हूँ वो मुझे चेक करना है। अब ये हो गए आउटकम्स, इसके लिए मैं प्रोसेस क्या अपनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं कर सकती हूँ। ये एक बड़ी लिस्ट है, जैसे मैं इंस्टाग्राम से लोगों को ला सकती हूँ, रील्स बना सकती हूँ, मैं काफ़ी जगह पे पोस्ट कर सकती हूँ सारे वीडियोस में, मैं वीडियोस में कंसिस्टेंसी ला सकती हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अच्छे वीडियोस बना सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए। पर जब मैं अपने कंस्ट्रेंट्स जो भी है वो उनके बारे में सोचूंगी, तो मैं रियलिस्टिकली वीकली एक वीडियो और एक शॉर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉर्ट्स बना सकती हूँ, बट अभी के लिए एक कंसिडर करते हैं। तो कंसिस्टेंटली 12 वीक्स के लिए मैं एक वीडियो और एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, यही मेरा अभी का गोल है। बाकी कुछ भी चीज़ें मुझे अभी नहीं करनी है। ये करने के लिए मैंने सारी स्टेप्स लिख दी जो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और ये है वो स्टेप्स। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्टेप्स हैं, छोटी छोटी स्टेप भी मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। उसके साथ ही साथ मैंने 7 या 8 वीडियोस के टॉपिक्स लिख चुकी हूँ जिनके लिए मैं वीडियोस बना सकती हूँ, ताकि आई एम रेडी फॉर दिस 12 वीक्स। और अब मुझे बस एग्जीक्यूट करना है और प्लान करना है, एक रूटीन बनाना है कि मैं रोज़ किस तरह से ये स्टेप्स करूँगी, इनके लिए कितना टाइम लगेगा और वो मैं किस तरह से मेरे दिन में निकालूँगी। तो बस यही है मेरा गोल। एक गोल मैंने डिसाइड किया है पिछले 3 महीने के लिए, उसके लिए एक आउटकम मैंने चूज़ किया है जो मुझे एंड ऑफ द ईयर में मिलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेरी तरफ से क्या एफर्ट्स डालना पड़ेगा वो मैंने लिख लिया, और वो एफर्ट्स के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो कंप्लीट करने के लिए वो मैंने लिख दिया। और उसके आगे मैंने प्लान बना लिया कि मैं किस तरह से ये रोज़ करूँगी। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ एग्जीक्यूशन। देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ अगले 3 महीने के लिए। विश मी लक, और मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।